Okay, so I think we have already studied friction force. That is a kind of a, what kind of a force it is? What kind of a force it is? हमने पढ़ा था पिछले वाले चैप्टर में फोर्स और प्रेशर वाले में. कांटेक्ट हाँ, कांटेक्ट दैट फोर्स इज अ कांटेक्ट कांटेक्ट फोर्स नॉन कांटेक्ट कांटेक्ट फोर्स नॉन व्यांशु कांटेक्ट कुमार. नॉट कांटेक्ट मतलब नॉन कांटेक्ट मतलब कहाँ नॉन कांटेक्ट है वो. इट इज अ कांटेक्ट फोर्स. एक्सप्लोरिंग कांटेक्ट को फोर्सेस में बोले हाँ मैम। हाँ कांटेक्ट फोर्स है वो, नॉन कांटेक्ट नहीं है. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स इज अ व्हाट व्हाट कांटेक्ट फोर्स. ठीक है, कांटेक्ट फोर्स तो हमने कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ा था. व्हेन द टू सरफेसेस कम इन कांटेक्ट, ठीक है, द फोर्सेस एक्ट बेसिकली. तो हमने यहाँ मस्कुलर फोर्स पढ़ा था, ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा था. ठीक है, मैकेनिकल फोर्स जो होता है बेसिकली वो होता है. तो यहाँ पर हम फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे. ठीक है, अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट द फ्रिक्शन, हाउ इट बेसिकली, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द फ्रिक्शन. ठीक है, कॉज क्या होता है फ्रिक्शन का. तो आपने कभी ऐसा देखा होगा कि जब हम क्या है मडी सरफेसेस पर, जब मड सरफेसेस बारिश के मौसम में क्या होता है कि जब हम किसी मड सरफेस पर चलते हैं, ठीक, अचानक से स्लिप कर जाते हैं. आपने देखा होगा जो बनाना का जो पील होता है, ठीक है, बनाना का जो पील होता है, छिलका जो होता है, ठीक है, यस अगर वो सरफेस पे पड़ रखा है और हमारा अगर फुट जो होता है, पैर जो होता है, अगर उस पर लग जाता है तो हम स्लिप कर जाते हैं. तो वो क्यों यस होता है, मैम मडी सरफेसेस पर हम क्यों नहीं चल पाते. मार्बल फ्लोर जो होते हैं, जो क्या होता है, बहुत स्मूथ होते हैं. ठीक है, इजिली अगर हम क्या उस पर भी प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाते. इफ अ पर्सन इज व्हाट वियरिंग सम काइंड ऑफ अ हील शू, और ठीक है, तो ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, वो प्रॉपर तरीके से वॉक नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो ये क्यों होता है. ठीक है, तो यहाँ फ्रिक्शन क्या है एंड व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फ्रिक्शन. तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमने फोर्स में पढ़ा क्या था. ठीक है, तो वी नो दैट इफ अ पर्सन इज बेसिकली, ओके, देखो व्हाट द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इफ यू टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ अ, ठीक है, एंड अ पर्सन इज व्हाट. आप देखो ये जो क्या है, बाइसिकल जो है इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, इफ इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन तो वी कैन से दैट दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन. दिस इज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ये उसका मोशन क्या है, डायरेक्शन है. ठीक है, मोशन का, क्योंकि उसकी मूवमेंट इस तरफ हो रही है. ठीक है, और पर्सन जो है, अगर पर्सन यहां से, ठीक है, उसको पुश कर देता है तो इट मींस क्या होता है, दिस वन इज, यहाँ पर अब जो बाइसिकल है उसकी मूवमेंट क्या होगी, सामने होगी ना सीधे, क्योंकि डायरेक्शन, फोर्स ऑफ डायरेक्शन किधर है, सीधे है. ठीक है, तो फोर्स ऑफ डायरेक्शन जो है, फोर्स कैरी में, ठीक है, डायरेक्शन जो है फोर्स का बेसिकली वो क्या है, जस्ट क्या है, उसके बैक साइड से. तो इसका मतलब क्या है कि जो बाइसिकल है उसकी स्पीड क्या होगी, और बढ़ जाएगी. ठीक है, लेकिन अगर हम इसी को जस्ट अपोजिट कर दें, अगर मूवमेंट ऑफ द बाइसिकल इन दिस डायरेक्शन एंड द फोर्स जो आपका लग रहा है वो जस्ट इसके अपोजिट हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, दैट इज अपोजिट हो जाएगा. ठीक है, और जब अपोजिट होगा तो इसका मतलब क्या है, इट विल आफ्टर दैट क्या होगी, वो अपने आप धीरे धीरे क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी. ये फोर्स लगने की वजह से ऐसा हुआ. बात समझ आ रही है, जो हमने फोर्स लगाया. अब देखो जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है, जब वो सरफेस पर, ठीक है, अब ये क्या था, ये सरफेस अब इसके कांटेक्ट में आया तभी ना, जब उस पर्सन ने उसको पुश किया है, ठीक है, धकेला है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, तो उसका मतलब वो उसके कांटेक्ट में आया. ठीक है, और जब उसने यहां पर उसे पुश किया तो उसका मतलब यहां भी वो कांटेक्ट में था. बात समझ आ रही है, दोनों तरफ से कांटेक्ट में है. तो उसी तरह से क्या होता है, फ्रिक्शन जो होता है कहाँ वर्क करता है, व्हेन द टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर. ठीक है, जब दो सरफेसेस क्या होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं, तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है बेसिकली क्या होता है, वर्क करता है. एंड विच अपोजिट द मोशन, अपोजिट का मतलब क्या, प्रतिरोध की तरह काम करता है उसको, ठीक है, उसके मोशन को रोकने की कोशिश करता है. यस, म्यूट योरसेल्फ बेटा. ओके, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ जो हमने फोर्स लगाया वो उस ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश किया, और फिर उसके बाद क्या हुआ, दैट ऑब्जेक्ट आफ्टर दैट व्हाट, कम एट रेस्ट. ठीक है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे क्या हुआ, रेस्ट पोजीशन में आ गया. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो
द ब्रांच ऑफ साइंस वन इज थिंग, ये मैंने एग्जाम्पल दिया कि फोर्स, अब देखो यही हमने फोर्स लगाया तब हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या है नेचुरली वन फोर्स इज अप्लाइड। तो अगर हम ट्राइबोलॉजी की बात करते हैं, व्हाट द ट्राइबोलॉजी इज, ओके ट्राइबोलॉजी क्या है, दैट इज द इंक्लूड्स व्हाट द स्टडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज इंक्लूड्स द स्टडी एंड एप्लीकेशंस, कहां कहां उसको यूज किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, एप्लीकेशंस ऑफ फ्रिक्शन, ओके दैट इज द फ्रिक्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेशन, ठीक है, ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेशन एंड द टीयर वियर ऑल्सो, ठीक है, तो दैट इज नोन एज द ट्राइबोलॉजी, ठीक है। ट्राइबोलॉजी क्या है, जिसमें क्या होता है, साइंस बेसिकली बांच दैट इन स्टडी की और एप्लीकेशन जो होती है, किसके प्रिंसिपल्स को स्टडी की जाती है, ठीक है, दैट इज द फ्रिक्शन, ठीक है, एंड द लुब्रिकेशन, ठीक है, लुब्रिकेशन और फ्रिक्शन दोनों की क्या होती है बेसिकली स्टडी होती है, ठीक है, तो वो ट्राइबोलॉजी कहलाती है। हाँ, ये चीज क्लियर हुई। तो हम बात कर रहे थे कि मान लीजिए वन बॉल इज देयर ऑन द ग्राउंड, ठीक है, यस मैम, ओके, तो बेसिकली व्हेन यू रोल अ बॉल ऑन द ग्राउंड, जब आप बॉल को रोल करते हैं ग्राउंड पर, ठीक है, तो आपने तो उस समय फोर्स लगाया, ठीक है, लेकिन वो क्या होगी, ऐसा तो नहीं है कि वो कंटिन्यू लगातार वो क्या होगी रोल होती रहेगी उस सरफेस पर, ऐसा तो नहीं है, वो आफ्टर दैट क्या होगी, इट विल कम टू रेस्ट, वो कुछ समय बाद क्या होगी बेटा, रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी, अपने आप क्या होगा, रुक जाएगी, ठीक है, तो दैट इज नॉर्मली कम टू रेस्ट, इट इज ड्यू टू व्हाट, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से हुआ, इट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये कैसे friction. लगा, दैट मीन्स ये वाला सरफेस जो था इस सरफेस के कॉन्टेक्ट में आया, ठीक है, बात समझ आ रही है, दो ऑब्जेक्ट्स, इसका सरफेस और ये सरफेस, ग्राउंड का सरफेस, व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, ठीक है, अलोंग एक साथ आए, और उसके बाद फिर जब ये टर्न हुआ तो उसके बाद फिर ये वाला सरफेस इस सरफेस के कॉन्टेक्ट में आया, ठीक है, एंड देन उसके बाद फिर से, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो कहां अप्लाई होता है, व्हेन द टू सरफेसेस कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एंड अपोजिट्स, अब इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर था, लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो जस्ट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बात समझ आ रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो अप्लाई होगा इट विल अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, तो इट विल, हाँ, तो सरफेस ऑफ द बॉल एंड अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल एंड विच ब्रिंग्स द बॉल कम टू रेस्ट, और धीरे धीरे क्या होगा, वो फोर्स, हाँ, वो फोर्स कम पड़ता चला जाएगा क्योंकि वो उसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है, उसके मोशन को रोकने की कोशिश करेगा, बात समझ आ रही है, तो दैट इज नोन एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हम उसे क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है, तो ग्रेजुअली व्हाट हैपन, जैसे आके आप सिंपल बात करते हैं कि जब आप पैडलिंग करते हैं बाइसिकल पे तो आप अपना फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, आपका फोर्स ज्यादा है, ठीक है, तो उसका मतलब वो चलती रहेगी, लेकिन जब आप पैडलिंग करना छोड़ देते हैं तो वो क्या होती है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ती है और फाइनली वो क्या होती है, रेस्ट में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है, रुक जाती है, ठीक है, तो वो क्यों हुआ, बिकॉज टायर के जो सरफेस था वो ग्राउंड के सरफेस से कॉन्टेक्ट में था ना, समझ आ रही है, जब आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया तो वहां नॉर्मल फोर्स अप्लाई होगा, दैट विल बी द व्हाट, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, तो व्हेन द टू फोर्सेस, तो इससे क्या है कि इट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस, ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है कहां अप्लाई होता है, व्हेन द टू सरफेसेस ऑब्जेक्ट्स के जब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट का जो सरफेस होता है, ग्राउंड का जो सरफेस होता है, जब दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो फोर्स का फ्रिक्शन, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, इट अपोजेस द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो अपोज करता है, ठीक है, एक तरह से उसको रोकने की कोशिश करता है, बात समझ आ रही है, तो दैट इज द ग्राउंड एंड ब्रिंग्स द बाइकल, बाइसिकल, फिर उसके बाद बाइसिकल क्या होगी, अपने आप क्या होगी, धीरे धीरे रुक जाएगी,
इज क्लियर. तो वी कैन से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अगर हम डिफाइन करना चाहें, द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सरफेसेस विच कम इन कॉन्टैक्ट. ओके, वी कैन से दैट द फोर्स एक्टिंग अलोंग द सरफेसेस बेसिकली, ठीक है, अलोंग द टू सरफेसेस कम इन कॉन्टैक्ट एंड अपोजेस द मोशन. ओके, कॉन्टैक्ट विच अपोजेस द मोशन ऑफ वन बॉडी विच अपोजेस द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर. ओवर अनदर, ठीक है, ओवर अनदर मतलब अनदर बॉडी सरफेस पर, ठीक है, ओवर अनदर या ओवर द अदर, दैट इज नोन एज इज कॉल्ड व्हाट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन, ओके, दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन, तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर क्या होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कहां ज्यादा अप्लाई होता है बताओ, क्या कहां पर होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा? सरफेस. हां, सरफेस, कैसा सरफेस होना चाहिए? बॉडी का सरफेस पर. एग्जांपल है, मेंबर ऑफ सरफेस, मेंबर ऑफ, एक एग्जांपल है, जैसे कि अगर आप एक बॉल बॉल को एक सीमेंटेड प्लेस है, ठीक है, प्रॉपर मार्बल वाला है, उस पर एक बॉल को रोल डाउन करते हैं आप, ठीक है, एंड एक घास का सरफेस है ग्राउंड पर, तो किस पे ज्यादा, व्हाट अबाउट बॉल जो होगी रोल होगी? मार्बल वाले पे ज्यादा होगी, और जो ग्रास है उस पे कम होगी. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ मैम? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से तो सरफेस भी नहीं, तो यहाँ मैंने सरफेस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो अप्लाई हुआ है बेटा, लेकिन यहाँ पर सरफेस भी तो एक फैक्टर है कि नहीं है? मैंने दो सरफेसेस, डिफरेंट सरफेसेस के बारे में आपको बताया, तो एक सरफेस तो क्या हो गया, मार्बल का सरफेस हो गया, और दूसरा जो सरफेस है वो ग्रास वाला सरफेस है, ग्राउंड वाला, ठीक है, तो ग्रास वाला सरफेस जो है वो क्या है बेटा? रफ है मैम, रफ, रफ सरफेस है, जबकि मार्बल वाला जो सरफेस है वो कैसा है मैम? स्लिपिंग मैम, स्लिपर, प्लेन है, स्मूथ सरफेस है, प्लेन नहीं कहेंगे, स्मूथ सरफेस. बात समझ आ रही है? तो यहाँ कुछ फैक्टर्स होते हैं, हाँ, जहाँ कुछ फैक्टर्स होते हैं वहां पर क्या होता है, फ्रिक्शन जो होता है वो डिफरेंट पड़ जाता है, ठीक है, तो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. अगर किसी ऑब्जेक्ट का क्या है, वेट ज्यादा है, ठीक है, मान लीजिए, और हम उस बॉक्स का वेट ज्यादा है और हम उसे खींच रहे हैं, उस बोरे को खींच रहे हैं किसी चीज को, तो उसका मतलब क्या है, वहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? ज्यादा लगेगा. अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मैं ऐसे सिंपली उसको हाथ से ऐसे स्लिप करके ऐसे खींच ले रही हूँ, उसका पोजीशन चेंज हो जा रहा है, तो इसका मतलब वहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? कम लगेगा. क्या वेट पे भी डिपेंड करता है, सरफेस पे भी डिपेंड करता है. बात समझ आ रही है बेटा? यस मैम. तो इट मीन्स हम क्या कह रहे हैं कि व्हाट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज, फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सरफेसेस व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट एंड जो कि अपोज करते हैं मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर बॉडी, ठीक है, दैट इज नोन एज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. व्हेन यू ट्राई टू, अगर हम सैंड पेपर की बात करते हैं बेटा, सैंड पेपर जो होता है आपने देखा होगा, जो पंक्चर बनाने वाले पर्सन होते हैं, ठीक है, दैट मीन्स वो यूज करते हैं सैंड पेपर ताकि वो क्या है, वो टायर्स जो होते हैं उसको पूरा स्मूथ कर सके, देखा होगा आपने. यस मैम. जब आप दो सैंड पेपर को आपस में रगड़ेंगे, ठीक है, रब करेंगे, तो वो क्या होता है, रफ सरफेसेस क्या होते हैं और जल्दी आपस में क्या होते हैं, इंटरलॉक्ड हो जाते हैं, ठीक है, जल्दी वो क्या होते हैं, एक दूसरे के सरफेस पे जल्दी मूव नहीं होते हैं. बात समझ आ रही है? यस मैम. लेकिन अगर कोई ऐसी चीज ले लीजिए जिसका सरफेसेस एकदम क्या हो, स्मूथ हो, और दोनों को आप इस तरह से रब करेंगे, तो वो क्या होगा, आसानी से रब हो जाएगा, इजिली रब हो जाएगा, वहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम पड़ जाता है. तो यहाँ सरफेसेस पर डिपेंड करता है. बात समझ आ रही है? ठीक है, तो अदर मोमेंट इज नॉट देयर, इज अ फ्रिक्शन ड्यू टू व्हाट, इंटरलॉकिंग ऑफ द रफ सरफेसेस. तो अगर हम कॉज ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं, तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इंटरलॉकिंग है.
देखिए आपको ये अगर ये बोर्ड जो है स्मूथ दिख रहा है ठीक है, बट एक्चुअल में ये स्मूथ नहीं है। आपने ग्रीन बोर्ड देखे होंगे, ग्रीन बोर्ड जिसमें हम चौक से लिखते हैं, देखा है बेटा? तो बेसिकली क्या है, आपको एक्चुअल में लगता है टच करने पर, फील करने पर लगता है कि वो स्मूथ है, बट एक्चुअल में वो स्मूथ नहीं है। अगर वो स्मूथ होता तो ये जो मार्कर में जो इंक है बेसिकली वो एंटेंगल्ड नहीं हो पाती उसके सरफेस पर। अगर ये प्रॉपर स्मूथ होता है क्या होता है, स्लिप कर जाता है, ये लिखता ही नहीं प्रॉपर तरीके से। आपने देखा होगा चॉक्स यूज करते हैं उस बोर्ड पर, तो कई जगह जो होता है वो स्लिप कर जाता है और वर्ड क्लियर नहीं हो पाता है, देखा है? यस मैम, यस मैम। तो हाँ, तो कुछ सरफेसेस हमें लगते तो क्या है, स्मूथ है एक्चुअल में, फील भी स्मूथ हो, फील भी क्या होता है, स्मूथ ही है, बट एक्चुअल में वो स्मूथ नहीं होते हैं। अगर हम उसे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देखें तो उसमें हमें क्या होते हैं, व्हाट हिल्स और समथिंग एल्स जो होती हैं, मतलब उस रफ सरफेसेस जो होता है, एक रफनेस जो होती है वो हमें देखने को मिलेगी, दिखाई देती है। ठीक है, ये बात समझ आई? तो व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, कॉज ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ घर्षण जिसे हम कहते हैं, फ्रिक्शन का मेन कारण क्या है? तो व्हाट इज ड्यू टू व्हाट द फ्रिक्शन, ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ द सरफेसेस, इट इज ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेसेस। देखिए एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आपने थर्माकोल देखा होगा, थर्माकोल देखा है सबने? यस मैम। जैसे कि थर्मा, तो डस्टर क्या है, वो एक रफ सरफेस है ऊपर वाला जिसे हम रफ करते हैं, ठीक है, वो चीज हम फील कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सरफेसेस होते हैं जो लगते तो क्या है, स्मूथ है, फील भी स्मूथ होते हैं, बट एक्चुअल में वो स्मूथ नहीं होते, क्योंकि अगर बोर्ड अगर स्मूथ होता तो ये पार्टिकल्स जो होते, ठीक है, इस लिक्विड के, वो इंटेंगल नहीं हो पाते उसमें प्रॉपर तरीके से, तो हमें दिखाई भी नहीं देता कि लिखा क्या है हमने। बात समझ आई? तो उस तरह से चौक पार्टिकल्स भी बोर्ड में क्या होते हैं, अटैच नहीं हो पाते अगर वो पूरा स्मूथ सरफेस होता, ठीक है। तो इसलिए क्या है, व्हाट अबाउट इंटरलॉकिंग ऑफ द सरफेसेस, ठीक है। इन सम केसेस क्या होता है, व्हिच अपीयर टू स्मूथ टू बी नेक्ड आई, ठीक है, तो वो अपीयर होते हैं जिन्हें हम अपनी इन आंखों से देख सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, ठीक है। सम स्मूथ सरफेसेस आर नॉट इजिली विजिबल, स्मूथ सरफेसेस आर नॉट easily visible, okay? Because what, smooth तो होते हैं but easily visible नहीं होते, उनकी roughness जो होती है basically, ठीक है, वो we can see only with the help of that is microscope, okay? हम उसकी जो roughness है वो क्या होती है, सिर्फ microscope की help से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन आता है, the roughness of the surfaces, ठीक है, can be seen through a microscope, तो वो किस फॉर्म में होता है, in the form of tiny hills or valleys, मान लो ये सरफेस है और इस सरफेस का जो बेसिकली इस तरह से क्या है, ये, ठीक है, in the form of that is tiny hills and valleys, तो किस फॉर्म में होते हैं, tiny hills एंड, इसको नींद आ रही है, टाइनी हिल्स आदित्य और प्रियांश यादव, ओके, तो जो हमें रफनेस प्रॉपर तरीके से दिखाई देते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, टाइनी हिल्स और वैलीज के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम एक वुडन ब्लॉक को क्या करें बेटा, एक वुडन टेबल पर अगर हम उसे क्या करते हैं, खींचते हैं, ठीक है, तो देर इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस, ओके, तो व्हाट अबाउट, फॉर एग्जांपल दिस वन इज द वुडन टेबल, ओके, ये वुडन टेबल है, एंड देन उसके बाद क्या है, हम एक वुडन ब्लॉक रखते हैं, ये वुडन ब्लॉक हमने रखा, ओके, दिस वन इज द ब्लॉक, ओके, एंड व्हेन वी ट्राई टू व्हाट, जब हम इसको मूव करेंगे इस तरफ, ठीक है,
तो इसका मतलब है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन। इट विल टेक प्लेस इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो व्हाट दैट इज टाइनी हिल्स। अब इनके सरफेसेस की अगर हम बात करें तो टेबल का जो क्या है बेटा सरफेस है और जो वुडन ब्लॉक का सरफेस है दैट विल इंटरलॉक विद लाइक दिस, ठीक है। अब ये इंटरलॉकिंग इस तरह से होगी, दे विल इंटरलॉक ये सरफेस जो है ये इस तरह से, यस मैम, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई, यस मैम। सो व्हाट इज इट, क्या है द इंटरलॉकिंग ऑफ व्हाट, that is the two surfaces opposes the motion of our body, okay, when we try to push this one, okay, the force of friction acting between the two surfaces of our body, one surface is basically the wooden table and one surface of basically the wooden block, okay, they will get entangled with each other, okay, यहाँ दोनों सरफेसेस जो होंगे एक दूसरे में क्या होंगे एंटेंगल्ड हो जाएंगे। ये जो उभार आपको दिख रहा है रफनेस जो दिख रही है दोनों क्या है रफ सरफेसेस है, टेबल इज ऑल्सो अ रफ सरफेस, ठीक है, एंड वुडन ब्लॉक इज ऑल्सो अ ऑफ रफ सरफेस, दोनों रफ सरफेसेस हैं। और इसका सरफेस का कॉन्टेक्ट किससे रहेगा, वुडन टेबल के सरफेस के कॉन्टेक्ट से आएगा, ठीक है। और जब ये दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में होंगे तो दे विल इंटेंगल, इस तरह से इंटरलॉकिंग जो होगी वो बेसिकली फॉर्म होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो अपोज करेगा उस ऑब्जेक्ट के मोशन को, ठीक है, अपोज करेगा मतलब उसको प्रतिरोध करेगा, उसके अगेंस्ट वर्क करेगा उसके मोशन के, ठीक है। तो हम उसे क्या कहते हैं फोर्स ऑफ, ये कॉज है, ठीक है, कि किस तरह से फ्रिक्शन जो होता है बेसिकली वर्क करता है, ठीक है। तो इंटरलॉकिंग ऑफ टू सर्फेसिस अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी ओवर अनदर एंड दैट गिव राइज टू व्हाट फ्रिक्शनल फोर्स, और उसी तरह से फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है फॉर्म होता है, ठीक है। तो अगर हम व्हाट ये एग्जांपल अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो इट मींस वी कैन सी ओनली विद द हेल्प ऑफ द मैग्नीफाइड फॉर्म में अगर हम इसे देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो हमें पता है कि वी कैन इजीली फ्रॉम, अगर हमारा फोर्स अगर ज्यादा लगता तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता उतना ही अपोज करता उसको, ठीक है, ज्यादा लगता तो वो इजिली मूव कर जाता। लेकिन अगर हम इसे सिर्फ जनरली पुश कर दें, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद जाकर वो टेबल पर यहाँ क्या होगा रुक जाएगा आफ्टर दैट। तो इसका मतलब क्या, देयर विल बी इंटरलॉकिंग टेक प्लेस बिटवीन द टू सर्फेसेस, ठीक है। यहाँ पर क्या होगी इंटरलॉकिंग होगी किसकी, दो सर्फेसेस के बीच में, ठीक है। तो फ्रिक्शन इज ड्यू टू द रफनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वी कैन से फ्रिक्शन इज ड्यू टू द व्हाट दैट इज द रफनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Roughness of an object, okay? तो friction जो होता है वो किस लिए होता है, object की roughness की वजह से होता है, ठीक है। और मैंने एक weight बताया था, तो measuring की हम बात करते हैं। अब देखो जब हमें इसे measure करना हो कि how much the frictional force is applied, तो कितना frictional force जो है basically apply हुआ है, तो we can use what? That is हम इसमें use करते हैं किसको, स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हैं, ठीक है। बेसिकली वी यूज व्हाट दैट इज द स्प्रिंग बैलेंस। अब देखो मोमेंट तो हमें पता है बॉडी के ओवर अनदर होती है जिसकी वजह से को क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो अप्लाई होता है, और तब होता है जब दो फोर्सेस कॉन्टेक्ट में होते हैं, ठीक है। तो कैन यू मेजर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, we can only measure the force of friction with the help of what, that is the spring balance। hum kiski help se kar sakte hain, spring balance ki help se kar sakte hain, theek hai। and that is ye kya hai spring balance, by taking the scale reading, theek hai, usme ek scale hoti hai jo basically, theek hai, reading marked hota hai uske upar basically, theek hai, and it is a point where the body just start to move, जहां पर बॉडी जो होती है जहां प्रेजेंट है और जब वो स्टार्ट करती है मूव करना, ठीक है, तो इट मेजर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कि हाउ मच द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, न्यूटन में कितना फोर्स जो है वो उस पर लगा है या कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ बात कर रहे थे कि प्लेस, आप क्या करेंगे, प्लेस करते हैं हम लोग, ठीक है, एक वुडन ब्लॉक टेबल पर बेसिकली, ठीक है, एंड हैविंग, और उससे स्प्रिंग बैलेंस को क्या करते हैं, अटैच करते हैं, ठीक है. देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जेंटली इसको क्या करेंगे, धीरे 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 पुश करेंगे जहां तक हमें उसको लेकर जाना है, ठीक है. जब हम यहाँ पुश करेंगे तो उतना ही स्प्रिंग जो होगा वो स्ट्रेच होगा, इसमें जो स्प्रिंग प्रेजेंट होता है वो उतना ही क्या होता है, स्ट्रेच होता है, कि कितना उसमें फोर्स लग रहा है उस इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए, ठीक है. क्योंकि इंटरलॉकिंग क्या हुई है, उसमें हुई है ना दो सरफेसेस के बीच में, तो उस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए हाउ मच द फोर्स वी अप्लाई, ठीक है, कितना फोर्स लग रहा है या कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पर अप्लाई हुआ है. ओके, तो जेंटली पुश द स्प्रिंग बैलेंस, हम क्या करेंगे, जेंटली उसको पुश करेंगे स्प्रिंग बैलेंस को, और फिर स्टार्ट करेंगे उसको मूव करना उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है. एंड नोट द रीडिंग, फिर रीडिंग क्या करेंगे, बेसिकली स्प्रिंग बैलेंस में जो रीडिंग होगी उसको नोट करेंगे, एंड देन उसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जो है वो कितनी है, ठीक है. तो इस तरह से क्या है, स्प्रिंग बैलेंस से बेसिकली क्या कर सकते हैं हम, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं, कि स्प्रिंग बैलेंस जो होता है बेसिकली, ठीक है, किस तरह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को फाइंड करने में हेल्प करता है. ओके, इट इज क्लियर. तो स्प्रिंग बैलेंस जो है बेसिकली, ओके, कल हम पढ़ेंगे उसके बारे में कि व्हाट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दैट थिंग, ठीक है, विच इज यूज टू मेजर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है. इज इट क्लियर, एट्थ क्लास? यस मैम. Yes, क्या हुआ? Okay, this one is keeping an atmosphere. ये तो low mass, ये तो पता है आपको, low mass होगा तो small planets हैं तो low gravity होगी, ठीक है, और high mass होगा तो high gravity, thick atmosphere होगा और small almost no atmosphere basically is present. ठीक है, एयर प्रेशर डिपेंड्स ऑन हाउ मच द गैस इज व्हाट दैट इज एटमॉस्फेयर इज थिक, उस पर डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर कितना थिक है. ओके, ग्रेविटी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस वन सरफेसेस पर एयर के द्वारा जितना वेट लगता है, ठीक है, दिस वन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. द स्ट्रॉन्गर द ग्रेविटी द मोर गैस इज हेल्ड बाय द प्लैनेट एंड ऑल्सो इंक्रीज द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर पर यूनिट एरिया. नेक्स्ट अर्थ एटमोसफेयर की बात करते हैं, ठीक है, तो 10 किलोमीटर अबाउट द थिक, यहाँ तो थिक रहता है लेकिन ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होती है उसकी थिकनेस जो होती है वो क्या होती है बेटा, कम पड़ जाती है, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे. दिस वन इज ओके. नेक्स्ट क्या है, कंसिस्ट मोस्टली ऑफ मॉलिक्यूलर, आपको पता है एयर किससे बनी है ज्यादातर, नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन इज 21%. ओके, एयर इज व्हाट, दैट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, किससे बनी है एयर, मॉलिक्यूल से बनी है, ठीक है, दैट इज द ग्रुप ऑफ एटम्स. सो ग्रेविटी पुल्स द एयर मॉलिक्यूल्स टुवर्ड द अर्थ. अब ग्रेविटी क्या करती है, उन एयर मॉलिक्यूल्स को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, पुल खींचती है अपनी तरफ, और इस तरह से उनका वेट जो होता है वो फॉर्म होता है. वेट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स अराउंड अस, ठीक है, दैट इज नोन एज द एयर प्रेशर, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एयर प्रेशर कहते हैं. तो मैंने आपको बताया था कि सी लेवल की तरफ रहेंगे तो क्या होगा, हायर एयर प्रेशर होगा, लेकिन अगर जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते रहेंगे यहाँ पर एयर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है, एयर की डेंसिटी वहाँ क्या होती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है. हाई एल्टीट्यूड किसी भी हाई एल्टीट्यूड्स दैट इज द लो प्रेशर, ओके, एंड लो एल्टीट्यूड दैट इज हायर हाई प्रेशर. ओके, तो ये मॉलिक्यूल्स हैं जितने भी हैं एयर के. एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं, देखो बेटा गैस प्रेशर डिपेंड्स ऑन बोथ द डेंसिटी एंड द टेम्परेचर, दोनों पर डिपेंड करती है,
अब देखिए एडिंग एयर मॉलिक्यूल इंक्रीज द प्रेशर, अब हम इसमें एयर एड कर रहे हैं ठीक है, तो उस तरह मतलब क्या है कि एयर प्रेशर उसमें क्या होता है इंक्रीज हो रहा है, एंड हिटिंग द एयर ऑल्सो इंक्रीज द प्रेशर ठीक है, हिटिंग द एयर दैट मीन्स इट ऑल्सो इंक्रीजेज द प्रेशर। नेक्स्ट अगर बात करें एयर प्रेशर, मैंने आपको बताया था इक्वल इन डायरेक्शन, यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके सरफेस पर यहाँ पर ही लग रहा है वो प्रेशर, वो हर तरफ से लगता है, वो प्रेशर इक्वल होता है, बैलेंस्ड होता है ठीक है। तो फोर प्रेशर इज व्हाट, फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया। सो व्हाट इज इट, एन एलिवेशन गोज अप ओके, तो बैरोमेट्रिक प्रेशर गोज डाउन, क्योंकि हम एयर प्रेशर किसे मापते हैं, बैरोमीटर से यूज करते हैं ठीक है बेटा। तो बैरोमेट्रिक प्रेशर जो होता है एलिवेशन के साथ साथ क्या होता है, वो घटने लगता है ठीक है। ये बैरोमीटर है ठीक है, यूज टू मेजर द एयर प्रेशर। सो इट वॉज इन्वेंटेड बाय एवेंगेलिस्टा ठीक है, टॉर्सिली, जिन्होंने 1643 में इसे इन्वेंट किया। ये डिफरेंट है देखो, वेट ऑफ मर्करी इन द ट्यूब, क्योंकि बेसिकली मर्करी यूज होता है ठीक है, एनेरॉइड वाले तो होते हैं जिसमें मर्करी बेसिकली यूज नहीं होता। तो वेट ऑफ एयर प्रेशर प्रेसिंग डाउन द मर्करी इन द डिश, जैसे मैंने आपको बताया था ठीक है, तो जिस तरह मर्करी का लेवल क्या होता है, दैट इज प्रेशर ऑफ Hg इंक्रीज होने लगता है, जैसे जैसे ज्यादा एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा वैसे वैसे उसका लेवल क्या होगा, बढ़ने लगेगा प्रेशर। यह मर्करी इन द ट्यूब राइजेस, एटमोस्फेरिक प्रेशर ग्रेटर होगा तो इसका लेवल क्या होगा मर्करी का, दैट विल इंक्रीजेस, और अगर एटमोस्फेरिक कम होगा तो दैट इसका लेवल क्या होगा, धीरे धीरे गिरने लगेगा, मतलब डाउन हो जाएगा। तो सिंपल ये ग्लास ट्यूब होते हैं, हाई एक्यूरेट होते हैं मर्करी। एनेरॉइड बैरोमीटर क्या होते हैं, नो फ्रेजाइल ट्यूब्स, नो टॉक्सिक केमिकल्स, क्योंकि उसमें मर्करी होता है तो वो टॉक्सिक होता है, तो नो बैटरीज बेसिकली, नेवर नीड्स विंड्स, एनेरॉइड वाले बताए थे जिसमें मर्करी जो होता है बेसिकली, हैव नीडल विच कैन बी सेट टू रिमेंबर द प्रीवियस रीडिंग्स। वन मिनट आगे था हमारे पास, तो यहाँ है एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड्स ठीक है, सी लेवल्स पर देखिए, एक माउंटेनर्स जो होते हैं बेसिकली दे फील सम काइंड ऑफ व्हाट, सफोकेशन होने लगती है उनको ठीक है, जैसे जैसे वो हाई एल्टीट्यूड्स पे जाने लगते हैं, क्योंकि वहां पर प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, शुरू नहीं होता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। द राइजिंग बैरोमीटर इंक्रीज एयर प्रेशर यूजली, क्लियर है, अगर बैरोमीटर फॉल हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो देयर इज अ डिक्रीजिंग एयर प्रेशर ठीक है। फॉलिंग बैरोमीटर रीडिंग यूजली इंडिकेट्स द अप्रोच ऑफ एन एरिया ऑफ लो प्रेशर, अगर बैरोमीटर फॉल हो रहा है, रीडिंग उसकी फॉल हो रही है, तो इसका मतलब उस एरिया में लो प्रेशर है ठीक है, और लो प्रेशर रीडिंग जो होती है एसोसिएटेड विद द स्टॉर्म सिस्टम, जहां लो प्रेशर क्रिएट होता है तो इसका मतलब देयर इज अ कंडीशन ऑफ स्टॉर्म ओके, टॉर्नेडोज और हरिकेन जो होते हैं वो लो बैरोमेट्रिक रीडिंग्स से ही पता कैन प्रोड्यूस वेरी लो, क्योंकि जब वो आते हैं तो उस समय बैरोमेट्रिक रीडिंग्स जो होती हैं वो कम पड़ जाती हैं, क्योंकि वो लो प्रेशर सिस्टम होता है एक तरह से कहा जाए तो, साइक्लोन्स वगैरह जो होते हैं। देयर इज अ कन्वर्सेशन समथिंग फिनिश्ड, तो ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम, नो मैम।